हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लास्ट क्लास तक हम लोग ने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस को। ओके, तो आज हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, यहाँ पे दो पेयर दिए हैं, उसमें फर्स्ट पेयर में क्या लिखा है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, देन हाउ इज एक्सपेंडिचर सिमिलर टू। ठीक, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये क्या है? एंटोनिम्स हैं। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो सेकेंड वर्ड का एंटोनिम है। एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट है। ओके, तो एक्सपेंडिचर का एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? इन ऑप्शंस में से हमारा एक्सपेंडिचर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेफिसिट? नहीं, इनकम। इनकम इसका क्या होगा? एक्सपेंडिचर का एंटोनिम मींस ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। एक्सपेंडिचर मींस क्या होता है? खर्च करना। ठीक है, खर्चा। इनकम मींस क्या होता है? कमाई। ओके, तो इसका ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा? ओशन इज सिमिलर टू, ओशन इज रिलेटेड टू वाटर, देन हाउ इज ग्लेशियर रिलेटेड टू। अब ग्लेशियर किससे रिलेट करेगा? ठीक है, जैसे ओशन वाटर से रिलेटेड है तो ग्लेशियर किससे रिलेट करेगा? अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें? ओशन से हमें क्या मिलता है? ओशन में क्या होता है हमारे? वाटर होता है। ग्लेशियर में हमारे क्या होता है? आइस होती है। तो यहाँ पे ग्लेशियर का राइट आंसर क्या होगा? ग्लेशियर के साथ बी, आइस जाएगा। कैसे? ओशन में क्या होता है? वाटर होता है। ग्लेशियर में क्या होती है? आइस होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मेडिसिन सिकनेस। अगर मेडिसिन सिकनेस के साथ है तो बुक किस तरह से रिलेट करेगी, किसके साथ रिलेट करेगी? अब देखो, जब हमें बीमारी होती है तब हम उसके लिए मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, किसी भी सिकनेस को क्योर करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? मेडिसिन लेते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों को बुक की ज़रूरत कब पड़ती है? किस चीज़ को क्योर करने के लिए हमें बुक की ज़रूरत पड़ती है? इग्नोरेंस को। मतलब कि जब हमें कुछ, मतलब हम कोई चीज़ें, किसी चीज़ को हमें इग्नोरेंस, मतलब जैसे डाउट्स हो गए आपके अंदर, आपको जब कोई स्ट्रेस है, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वो टाइप की चीज़ें आपकी इग्नोरेंस में आ जाती हैं। तो उन सब को क्योर करने के लिए आपके लिए बेस्ट क्या होता है? बुक होती है। ओके, बुक आपके पास आपको नॉलेज देती है क्योंकि। ओके, तो बुक हमारा किससे रिलेटेड हो जाएगा फिर? इग्नोरेंस से। ओके, फिर आया हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बैंक रिवर, देन कोस्ट किससे रिलेट करेगा? ठीक है, फर्स्ट पेयर में बैंक एंड रिवर दिया है, तो अब नेक्स्ट में कोस्ट किससे रिलेट करेगा? रिवर के किनारे को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। रिवर का जो किनारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। कोस्ट किसका किनारा होता है? सी का। ओके, सी के किनारे को हम लोग क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं। ठीक, तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोस्ट का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? थंडर रेन, नाइट। नाइट के साथ क्या जाएगा अब यहाँ पे? अब देखो, जब थंडर होती है तब क्या होती है? रेन होती है। थंडर की वजह से, थंडर का रिजल्ट क्या निकलता है? रेन निकलती है। ओके, रेन होती है। तो अब जब नाइट होती है तो नाइट का रिजल्ट क्या होता है? डे? नहीं, डस्क? नहीं, डार्कनेस? यस। जब रात होती है, नाइट होती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है? डार्कनेस। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब देखो यहाँ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ब्रीज साइक्लोन। ब्रीज क्या होता है? हल्की हल्की हवा चलना। ओके, साइक्लोन क्या होता है? बहुत तेज हवा चलना। ठीक,
मतलब कि ब्रीज एक स्मॉल फॉर्म है और साइक्लोन क्या है, एक बड़ा फॉर्म है। ओके okay? अब उसी तरह से ड्रिजल, ड्रिजल मीन्स क्या होता है, हल्की हल्की बारिश होना। ठीक, अब ड्रिजल अगर हल्की हल्की बारिश होना है तो तेज तेज बारिश होने को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक? नहीं, स्टॉर्म? नहीं, फ्लड? नहीं, डाउनपोर? यस, डाउनपोर मीन्स क्या होता है, जब एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है एक साथ, तो हम लोग उसको बोलते हैं डाउनपोर। ओके, तो ड्रिजल के साथ क्या जाएगा, डाउनपोर। ब्रीज के साथ जैसे साइक्लोन गया, वैसे ड्रिजल के साथ जाएगा डाउनपोर। ओके अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज, पैथोलॉजी। जब हमें कोई डिजीज होती है तो हम लोग उसके बारे में कहाँ पे पता करते हैं, पैथोलॉजी में। अब हमारे पास क्या है, प्लैनेट। प्लैनेट्स के बारे में कहाँ पे पता चलता है, एस्ट्रोलॉजी? नो। जियोलॉजी? नो। जियोलॉजी क्या हो गया आपका, जियोग्राफिकल रिलेटेड। ओके, एस्ट्रोनॉमी? यस, एस्ट्रोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं, प्लैनेट्स की, स्टार्स की, इन सब की स्टडी क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी। ओके, तो हमारा एस्ट्रोनॉमी क्या होगा, प्लैनेट के साथ जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके अब नेक्स्ट क्या है, फोरसाइट। फोरसाइट मींस एक दूर की, दूर का देखना, मतलब कि एक अनुमान लगाना आगे का। ठीक है, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में सोचना। ठीक, एंटिसिपेशन मींस भी वही होता है, सेम। एंटिसिपेशन मींस एंटिसिपेट करना, एक अंदाज़ा लगाना। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, सिनोनिम्स हैं ये दोनों। ओके अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंसोमनिया। इंसोमनिया क्या होता है, इंसोमनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें नींद नहीं आती है। ओके, जिन लोगों को नींद नहीं आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस बीमारी को, इंसोमनिया। तो उसका सिनोनिम क्या बनेगा यहाँ पे, ट्रीटमेंट? नो। डिजीज? नो। स्लीपलेसनेस? यस, स्लीपलेसनेस मीन्स क्या हुआ, नींद नहीं आना। तो इंसोमनिया के साथ क्या जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, स्लीपलेसनेस। ओके अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ओके ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ अलग टाइप का है। जैसे यहाँ पे लिखा है DRIVEN इज रिलेटेड टू EIDRVN। ओके, तो फिर अगर इसका यहाँ पे इस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो BEGUM का पेयर क्या बनेगा। ओके अब इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो समझ में कैसे आएगा, यहाँ पे कैसे चल रहा है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वर्ड का जो फिफ्थ लेटर है, मतलब कि ई, वो हमारे सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर बन गया है। ओके है ना, और जो हमारा थर्ड लेटर है फर्स्ट वर्ड का, वो हमारा सेकेंड वर्ड का सेकेंड लेटर बन गया है। ठीक, तो उस हिसाब से अगर हम लोग नीचे वाले में करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ लेटर है, मतलब कि एम है जो, वो हमारा सेकेंड वर्ड का फर्स्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ई है, मतलब कि हमारा जो फिफ्थ लेटर है, वो सेकेंड वर्ड का फर्स्ट बन गया है, तो इसका भी फिफ्थ लेटर हमारा सेकेंड वर्ड का फर्स्ट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे एम चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड का थर्ड लेटर है, फर्स्ट वर्ड का थर्ड लेटर है, वो हमारा सेकेंड वर्ड का सेकेंड लेटर बन गया है। ठीक, तो वो हमारा सेकेंड वर्ड का सेकेंड लेटर बन जाएगा, राइट। अब देखो जैसे हमारा यहाँ पे पता चला कि एम और जी हमारे स्टार्टिंग में आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ई और यू में एम जी नहीं है स्टार्टिंग में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी में हमारे एम जी बी ई यू है, ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है सही। उसी तरह से सी है, सी में क्या है, बी जी है,
तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन भी हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। उसी तरीके से डी जो है हमारा, उसमें भी यू और ई आ रहा है हमारे फर्स्ट टू लेटर्स, तो ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया। ओके, तो बचा गया हमारे पास ऑप्शन बी, मतलब एम जी बी ई यू। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन यू एम बी ई आर इज रिलेटेड टू यू एन बी एम ई आर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जी एच ओ एस टी इज रिलेटेड टू वॉट। अब इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं वो सेकेंड वर्ड के ऑपोजिट में हो गए हैं दोनों लोग। ठीक है, यहाँ पे एन यू था वो यहाँ पे यू एन हो गया। ओके, यहाँ पे एम बी था ये बी एम हो गया। ठीक, यहाँ पे ई आर था बट ये लास्ट वाला ई आर सेम है। तो अगर उस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे तो इसको कैसे चेंज करेंगे? अगर फर्स्ट टू लेंगे तो जी एच है तो वो क्या हो जाएगा, एच जी। ओ एस है तो वो क्या हो जाएगा, एस ओ। और लास्ट वाला हमारा, क्योंकि इसके साथ कोई पेयर ही नहीं है तो हमारा डायरेक्टली टी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, एच जी एस ओ टी, एच जी एस ओ टी, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखो जब तुम लोग इस तरह के क्वेश्चन करो ना तो ये चीज़ ध्यान रखना, पहले ही इन सब क्वेश्चंस में एक ट्रिक लगा लेना कि मतलब किस ट्रिक से सेकंड वर्ड कैसे फर्स्ट वर्ड से रिलेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में एक ही तरीके से आएगा। अभी यहाँ पे ऑपोजिट करके दे दिया दो का, लास्ट में ऑपोजिट नहीं किया उसने। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपका फर्स्ट टू ना हो ऑपोजिट, लास्ट के दो में ऑपोजिट कर दे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को वो लोग चेंज करते हैं, वो चीज़ वहाँ पे आपको सोच के देखनी पड़ेगी कि कैसे उसको चेंज किया गया है, वहाँ पे कैसे उसको फर्स्ट वर्ड को सेकंड वर्ड से रिलेट किया गया है कि हम लोग नेक्स्ट पेयर के फर्स्ट और सेकंड वर्ड को निकाल सके। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब यहाँ पे यहाँ क्या लिखा है, मास्टर एम ए एस टी ई आर इज रिलेटेड टू ओ सी यू वी जी टी, देन हाउ इज व्हाट इज रिलेटेड टू लेबर। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, इन दोनों लेटर वर्ड्स में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक, पहला लेटर क्या है हमारा, एम, इसका पहला क्या है, ओ, इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस टू। ठीक है, एम के बाद प्लस टू करोगे तो ओ आएगा ना। ठीक, इजोटी याद है, इजोटी, फाइव 10, 15, 20, 25, है ना? एम की पोजीशन क्या होती है, 13 होती है, एम की 13 होती है, ओ की 15 होती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस टू हो रहा है ना। ठीक, अब ए है यहाँ पे, ओके, यहाँ क्या है, सी, ए की 1 होती है, सी की 3 होती है, प्लस टू हो रहा है। उसी तरीके से एस, एस के वर्ड एस के साथ प्लस टू करोगे क्या जाएगा, यू, टी के साथ प्लस टू करोगे क्या जाएगा, वी। ठीक है, ई के साथ प्लस टू करोगे क्या जाएगा, जी, आर के साथ प्लस टू करोगे क्या जाएगा, टी। यहाँ पे सबके साथ क्या केस बन रहा है, प्लस टू का। ओके,
सब में यहाँ पे हर लेटर के प्लस टू के साथ यहाँ पे एक नया वर्ड तैयार किया गया है। इस वर्ड के हर लेटर में प्लस टू ऐड करके यहाँ पे एक नया वर्ड तैयार किया है। अब उसी तरीके से यहाँ पे जो वर्ड दिया है हमको उसमें प्लस टू करेंगे, ठीक। एल प्लस टू, एन ए प्लस टू, सी बी प्लस टू, डी ओ प्लस टू, प्लस टू क्यू यू प्लस टू, डब्ल्यू आर प्लस टू टी। हमारा नया वर्ड यहाँ पे क्या तैयार हो जाएगा? एन सी डी क्यू डब्ल्यू टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो इसका आंसर हमारा इस तरह से निकलेगा। इसमें हम लोगों को हर लेटर में प्लस टू करके दूसरे वर्ड को तैयार करना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फोर्टीन इज टू नाइन इज रिलेटेड टू 26 इज टू व्हाट। अब यहाँ पे 14 हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड टर्म 9 है। उसी तरीके से 26 अगर फर्स्ट है तो सेकंड टर्म यहाँ का क्या जाएगा? अब देखो यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे जो तरीका से इस वर्ड को निकाला गया है वो क्या है? अगर हम लोग मान के चलें कि हमारा जो सेकंड लेटर है वो एक्स है, ओके, तो एक्स 9 से किस तरह से रिलेट कर रहा है? यहाँ पे जो चल रहा है हमारा, चल रहा है 2x-4 का फॉर्मूला, ठीक। यहाँ पे इस सीक्वेंस में चल रहा है। अगर मान लो हमारा 9x है तो हम लोग 2 × 9-4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 14। कैसे? 2 × 9 = 18, 9 − 4 = 14। ओके, अब उसी तरीके से हम लोगों को अगर 26 का निकालना है पेयर तो वो कैसे निकलेगा? तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे जो पेयर है वो हमारा x है, ठीक है। तो अगर वो x है तो 2x−4 = 26 है, सॉरी 26 है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है, राइट। अब x की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी यहाँ पे? 2x = 26 + 4, 2x = 30, x = 30/2, x = 15। मैक्स की वैल्यू क्या आ गई? 15, ठीक। मतलब कि ऑप्शन सी इसके साथ यहाँ पे पेयर अप होएगा। ये तो आता होगा ना सबको, एलजेब्रा। ये एलजेब्रा लग रहा है यहाँ पे, एलजेब्रा की तरह हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। 2x = 26 + 4 कैसे हो गया? जब हम लोग यहाँ से माइनस को उठा के दूसरी साइड ले जाते हैं इक्वल्स के, तो वो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो 2x क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x = 26 + 4 हो जाएगा, राइट। क्योंकि हम लोग ने इस माइनस साइन को हम लोग ने इधर ले गए तो वो यहाँ पे जाके प्लस साइन हो गया, तो हमारा 2x = 26 + 4 हो गया। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 26 + 4 मतलब कि 30। अब उसी तरीके से x है यहाँ पे हमारे पास, हम लोग यहाँ से 2 को उठा के दूसरी साइड ले गए अगर, तो वो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था? 26 + 4 की वैल्यू क्या थी? 30 थी। अगर हम लोग 2 को इधर डिविजन में ले आए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 15 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। और हम लोग ने फर्स्ट पेयर में अपने सेकेंड लेटर को एक्स माना था,
तो वैसे ही हमने यहाँ पे इस पोजीशन को भी एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे इस वजह से क्या आ गई, 15। तो 26 के साथ क्या पेयर अप होगा यहाँ पे, 15। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 11, 17, 19 इज रिलेटेड, इज पेयर विथ व्हाट। अगर 11 जो है हमारा, 11 के साथ 17 गया है, तो 19 के साथ क्या जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 11 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, ठीक। ठीक है, 19 भी एक प्राइम नंबर है, बट 11 और 17 के बीच में एक और प्राइम नंबर आता है, कौन सा आता है, 13। ठीक, तो इसमें क्या किया गया है, इन दो प्राइम नंबर्स के बीच का एक नंबर, एक प्राइम नंबर को स्किप कर दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 19 है, ठीक। 19 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 23। इसके बाद वाला प्राइम नंबर क्या होता है, 29। ओके, अब क्योंकि हम लोग ने देखा फर्स्ट पेयर में क्या किया गया है, बीच वाले प्राइम नंबर को स्किप कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो हमारा बीच वाला प्राइम नंबर है हम भी उसको स्किप कर देंगे। तो हमारा जो दो पेयर में, जो पेयर में जो हमारे दो नंबर्स आएंगे वो कौन से हो जाएंगे, 19 और 29। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि 3 इज रिलेटेड टू 27, तो 4 के साथ क्या जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ ना दो तरीके से इसको देखा जा सकता है, बट हम लोगों को क्या करना है, इस ऑप्शन को निकालने के लिए, इस आंसर को निकालने के लिए बाकी ऑप्शंस को भी देखना होगा। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 किया गया है, ठीक, मतलब कि 3 क्यूब किया गया है, तब हमारा आंसर क्या आया है, 27 आया है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया गया है, तब 27 आया है, राइट। ये दो ऑप्शन हम लोग लेके चल सकते हैं कि 3 के साथ 27 कैसे आया। अब उसी तरीके से यहाँ पे 4 दिया है, तो 4 को अगर हम लोग 4 इंटू 4 इंटू 4 रखें, मतलब कि हम लोग यहाँ पे अगर 4 का क्यूब रखें, तो हमारा ऑप्शन के आंसर क्या आएगा, 64। ओके, और अगर हम लोग इस पॉसिबिलिटी के साथ रखें, 4 इंटू 9, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 36। ठीक, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन के साथ दो आंसर्स आ जाएंगे अगर हम लोग इन दो सिचुएशन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। पर हमारे जो दो आंसर आए हैं, क्या वो ऑप्शन में अवेलेबल हैं, 64 हमारे पास ऑप्शन डी में अवेलेबल है, बट 36 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कौन से फॉर्मूले के साथ चलेंगे, यहाँ पे क्यूब के फॉर्मूले के साथ, मतलब कि हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट टर्म का क्यूब कर देना है, तो हमारा यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो आ जाएगा। ओके, देखो कई बार ऐसा होगा कि तुमको एक ही तरीके से दो, एक चीज़ के दो आंसर, मतलब दो सॉल्यूशन तुम्हें दिखेंगे,
जैसे अभी यहाँ निकला कि 3 का क्यूब करके हम लोगों का 27 आ सकता है, या 3 को 9 से मल्टीप्लाई करके 27 आ सकता है। तो उसी तरीके से हम लोग उसको अगर 4 के साथ अप्लाई कर दे, 4 का क्यूब करके हम लोग 64 या तो निकाल सकते हैं, या अगर अगर 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग 36 निकाल सकते हैं। बट अगर यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने ऑप्शंस के साथ चलना होगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शंस में से अपने आप को सेलेक्ट करना पड़ेगा। 64 ऑप्शंस में दिया है, 36 नहीं दिया है, तो मतलब कि यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, 12, 30 एंड 20 के साथ यहाँ पे पेयर अप को पूछा गया है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो 12 आया है, 12 को हम लोग कैसे लेके चल सकते हैं। 12 को इन्होंने क्या किया है, प्लस, ओके, 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12, इन्होंने इस तरह से इसको 12 को निकाला है। 30 है, 30 को कैसे निकाला इन्होंने, 5 स्क्वायर प्लस 5, 25 प्लस 5 इक्वल्स टू 30। अब हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों नंबर्स जिनका स्क्वायर करके जिनको ऐड किया गया है वो क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ठीक, 3 हमारा ऑड नंबर होता है, 5 हमारा ऑड नंबर होता है, ओके, और वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, मतलब 3 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो क्या होता है, 5 होता है, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोगों का 20 के लिए इस तरह से क्या बनेगा, 4 बन सकता है, ठीक, 4 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20। ये क्या देखा हमने, ये है इवन नंबर, यहाँ पे 4 जो है हमारा इवन नंबर है, मतलब कि इस पेयर में ऑड नंबर्स को यूज़ किया गया है तो इसमें इवन नंबर को यूज़ किया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने देखा ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लिया था, इसने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को लिया था, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को लेंगे। ठीक, अगर ये 4 है, 4 के बाद कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 6। ठीक है, अब 6 को हम लोग उसी फॉर्मूले में अगर लगा दें, 6 स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36 प्लस 6, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 42। 6 हमारा इवन नंबर भी है और 4 के बाद कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब 4 के बाद जो दूसरा इवन नंबर आता है वो क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, हेमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू ब्लड, तो फाइकोलॉजी किससे रिलेट करेगा। ठीक, हेमेटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के बारे में जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं वो होती है हमारी हेमेटोलॉजी। ओके, फाइकोलॉजी किसकी पढ़ाई होती है, फाइकोलॉजी होती है एल्गे की पढ़ाई। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, फाइकोलॉजी जो पढ़ाई होती है वो होती है एल्गे की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्राइड ऑफ लायंस,
प्राइड ऑफ लायंस मीन्स क्या हो गया, लायंस का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, जो झुंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइड। ठीक, यहाँ पे क्या बात हो रही है, इंडिविजुअल के ग्रुप्स की बात हो रही है, यहाँ पे वो वाली एनालॉगी चल रही है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, कैट्स। अब जो कैट का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैट के ग्रुप को बोला जाता है क्लाउडर। ओके, लायंस के ग्रुप को बोला जाता है प्राइड, कैट्स के ग्रुप को बोला जाता है क्लाउडर। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। ये आपका जनरल नॉलेज के बेस पे था, ये अब हम लोग को यहाँ पे फिर से सॉल्व करना है। यहाँ क्या लिखा है, मैन, MAN इज रिलेटेड टू PDQ। तो उसी तरीके से WAN के साथ यहाँ पे क्या जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, M है, ठीक है, NOP यहाँ पे क्या हो गया, +3 हो गया। ठीक, M में +3 किया गया तब आ गया हमारा P। A है, A में +3 किया गया, यहाँ पे आ गया D। N है, N में +3 किया गया, आ गया Q। ओके, अब उसी तरीके से हम लोग नीचे चलेंगे, W है, W में +3 करेंगे क्या जाएगा, Z। A में +3 करेंगे क्या जाएगा, D। ओके, N में करेंगे +3 क्या आ जाएगा, Q। आंसर क्या हो गया, ZDQ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ए ई एफ जे इज रिलेटेड टू के ओ पी टी। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें उन्होंने फर्स्ट वर्ड पूछा है हमसे, सेकंड पेयर का फर्स्ट वर्ड निकालना है, मतलब इस पोजीशन वाले वर्ड को निकालना है। सेकंड वर्ड हमें दे रखा है QUVZ। ओके, अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, पहले लिख लो यहाँ पे इजोटी। ओके, ये हो गया हमारा 5, 10, 15, 20, 25। ठीक, अब उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपने वर्ड्स को, लेटर्स को नंबर करेंगे। ए का क्या हो गया, 1। ए का है 1। ठीक, ई का है 5, एफ का है 6, जे का है 10, के का क्या है 11, ओ का है 15, सिक्स का है 16, टेन का है 20। ओके, अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट वर्ड के जो लेटर्स हैं वो सेकंड वर्ड से -10 हुए हैं, मतलब कि जो सेकंड वर्ड के जो लेटर्स हैं हमारे पास, उनकी जो पोजिशनिंग है, उनके जो नंबर है, उसमें अगर हमने -10 किया है इन सब में, तो हमारे ये सारे वर्ड्स, ये सारे लेटर्स जो हैं निकले हैं। ठीक, 11 -10 करोगे तब 1 आएगा, सॉरी, हाँ, 11 -10 करोगे 1 आएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन सा होता है, ए होता है। उसी तरीके से 15 नंबर पे ओ है, 15 -10 किया 5 आया। फिफ्थ नंबर पे क्या होता है, ई होता है। उसी तरीके से तुमने सारे सॉल्व किए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें निकालना है फर्स्ट वर्ड सेकंड पेयर का। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, -10 करेंगे, किसमें, इन सब लेटर्स के नंबर पे। अब क्यू का नंबर क्या होता है, 17। ओके, यू का क्या होता है, 21। वी का क्या होता है, 22। जेड का क्या होता है, 26। अब इनमें -10 करेंगे हम, 17 -10, 7। 7 नंबर पे हमारा क्या जाता है, जी। जी का नंबर क्या होता है, 7। ओके, यू 21, 21 -10, 11। 11 नंबर पे हमारा क्या जाता है,
एच नहीं सॉरी के, हमारा 11 नंबर पे जाता है के। ओके 22, 22 माइनस 10 12, 12th नंबर पे क्या होता है एल। 26, 26 माइनस 10 16, 16 नंबर पे क्या होता है पी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जी के एल पी। ओके तो जी के एल पी हमारा मतलब कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके तो आज हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस किए जो अलग अलग एनालॉगी के हिसाब से थे, ठीक है, जिसमें सब में अलग अलग तरीके से हम लोग चीज़ों को फाइंड कर रहे थे, अलग अलग फॉर्मूलाज लग रहे थे, अलग अलग तरीके से उनकी एनालॉगी थी। ओके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें अलग अलग टाइप से एनालॉगी फाइंड आउट करेंगे। ओके तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करिए, देखते रहिए, जो समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ओके तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।